नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत से बड़ी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। अब चाइना भी सबसे बड़ा देश में से एक है, वहाँ की पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा है दुनिया में, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है। दोस्तों, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी डेमोक्रेसी की बहुत ही खूबसूरती है कि हमारे पास हर एक चीज़ की आज़ादी है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मतलब किसी भी तरह की हमारे देश में रोक टोक नहीं है। जो गैर कानूनी काम होते हैं वो अगर करेंगे तो उसके लिए तो दंड है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। आप फ्री हैं सारी चीज़ करने के लिए। दोस्तों, यहाँ तक कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जो संविधान में हमारे लिखा हुआ है, अगर आप संविधान के हिसाब से चलते हैं तो आपको कभी कोई किसी भी चीज़ का परेशानी नहीं हो सकती। इस देश के अंदर आराम से आप खुशी से रहिए, अपना जीवन बिताइए, आगे बढ़िए, खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ कुछ काला सच भी है देश के साथ, जो हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि भारत में 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन। अब ये जो लोकसभा के इलेक्शन है, ये हमारा एक डेमोक्रेसी का पर्व कहलाता है। ये एक लोकतंत्र के लिए एक पर्व है, जिसकी पहली आहुति कह लीजिए या पहले चरण का जो चुनाव के वोट डाले जाएंगे वो 19 अप्रैल को डाले जाएंगे, यानी कि अब बिल्कुल नज़दीक आ गई है वो डेट। आज 16 है, 3 दिन बाद वोटिंग होनी है। दोस्तों, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आई है। इलेक्शन कमीशन ने एक डाटा जारी किया है। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने एक डेटा को जारी किया है। ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च 2024 से लेकर के 13 अप्रैल 2024 तक 4,650 करोड़ रुपए के सामान, यानी कि इतनी वैल्यू की चीज़ें जब्त करी हैं इस इलेक्शन के टाइम में। अभी सोचिए, पहले चरण का चुनाव हुआ नहीं है, अभी होना है 19 को, और 4 जून 2024 को रिजल्ट आएंगे, तब पता लगेगा कि कौन सी पार्टी चुनाव जीती है, कौन सी नहीं। अभी सोचिए, ये बिल्कुल चुनाव स्टार्ट है और 4,650 करोड़ रुपए की वैल्यू की सामान चुनाव आयोग जब्त कर चुका है, जो अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। 2019 में भी सामान जब्त हुआ था, चीज़ें जब्त हुई थी, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी 3,475 करोड़ रुपए की थी उसकी वैल्यू भी। अब इसमें आप समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें कैश भी शामिल है, लिकर यानी कि जिसको शराब बोलते हैं वो भी इसमें शामिल है, इसके अलावा ड्रग्स इसमें शामिल हैं, कुछ हाउस होल्ड के सामान शामिल हैं जिसको फ्रीबीज बोलते हैं, फ्री में कोई कूलर दे रहा है, कोई टीवी दे रहा है, इस तरह की चीज़ें जो फ्री में बांटी जाती हैं, साड़ी बांटी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें ये उसमें शामिल है। सोचिए कि पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें 3,475 करोड़ था, इसमें 4,650 करोड़ है, लगभग 34-35% के हाई किया गया है, इतना ज़्यादा इस बार जा रहा है। दोस्तों, एक चीज़ हमें सोचना चाहिए, फिर इसका एनालिसिस और मैं बताऊंगा कि इसमें और भी क्या खास है। लेकिन अगर आप इससे अंदाज़ा लगाइए, कोई अगर राजनेता ये पैसे खर्च कर रहा है अपनी पॉकेट से, हम जनता के ऊपर सिर्फ वोट लेने के लालच से, अगर वो सोचिए जीत गया तो जीतने के बाद क्या वो ये पैसे लेगा नहीं, निकालेगा नहीं, वो कहाँ से निकालेगा? नोट छापने की मशीन तो लगाएगा नहीं, लेगा तो हमारे आपके जो जेब से, किसी ना किसी चीज़ में घोटाला करेगा, वो वहीं से तो जाएगा। हम लोग क्या है, ये सब क्या कर रहे हैं? वो दे रहा है तो हम ले क्यों रहे हैं? इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो तो चलो उसका तो लालच है देना, हम क्यों ले रहे हैं? हमें अपने अंदर इतना तो हमारा जमीर होना चाहिए ना कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को फ्री में दे रहा है तो हमें नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वोट। वोट कौन देता है? हम ही लोग तो देते हैं, जनता ही तो देती है, जनता ही। अगर ये क्या एक तरह का करप्शन है, जनता ही करप्ट हो रही है। इन सब चीज़ों से दोस्तों हमें बचना चाहिए, हमें मुझे ऐसा लगता है। अब दोस्तों आपको बता दें
इसमें भी बड़ा शॉकिंग ये नंबर है, ये जो 4,650 करोड़ रुपए का नंबर है, इसमें भी लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 2,000 करोड़, यानी कि 50% आप समझ लीजिए सिर्फ ड्रग्स का है। ड्रग्स सोचिए मतलब हमारा देश किधर जा रहा है, 50% लगभग वैल्यू का ड्रग्स पकड़ा गया है। अब आपको और चीज़ बता दें, इसमें कौन से राज्य सबसे आगे हैं जहाँ ये पकड़ा गया है? सबसे आगे है राजस्थान, 778 करोड़। दूसरे नंबर पे गुजरात, 605 करोड़। फिर तमिलनाडु, 460 करोड़। पंजाब, 311 करोड़। पंजाब के बारे में और एक चीज़ बता दूँ, ये जो 311 करोड़ पकड़ा गया है, इसमें 90% ड्रग्स है। मतलब सोचिए कि ड्रग्स 90% चीज़, क्या वहाँ के लोगों का हाल होगा, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। गुजरात जिसको हम डेवलप स्टेट कहते हैं, 605 करोड़ में लगभग 500 करोड़ के आसपास, 485 करोड़ से 500 करोड़ के बीच खाली ड्रग्स पकड़ी लग गई है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, एक शॉकिंग चीज़, सबसे ज़्यादा डर होता था यूपी, बिहार, मतलब जो थोड़े से पीछे के राज्य हैं, यहाँ लोग सोचते थे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती हैं, वहाँ से तो न्यूज नहीं आ रही है, क्या माना जाए, वहाँ ठीक है सब कुछ? हम कह रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर सब कुछ ठीक नहीं भी है फिर भी काफ़ी ठीक है, क्योंकि इन लोगों के ये जो अच्छे सोकॉल्ड अच्छे राज्य हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, पंजाब, इनसे तो काफ़ी हद तक ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड, ये तो बहुत अच्छे हैं, फिर यहाँ तो ये सारी चीज़ें नहीं पकड़ी गई हैं। मतलब ड्रग्स से सोचिए क्या किधर हम लोग जा रहे हैं, इसमें लिकर भी है, मतलब कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, कितनी शॉकिंग चीज़ है। देश में जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी लोकसभा में 543 सीटें हैं, 543 सीटों में 123 सीट ऐसी संवेदनशील सीट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आशंका है पैसे बांटने की, लुटाने की, जो कैंडिडेट लुटाएंगे, ज़्यादा सेंसिटिव सीट्स हैं 123, जिसके लिए विजिलेंस के लिए 781 अधिकारी लगाए गए हैं सिर्फ देखरेख के लिए, यहाँ तक कि जो भारत की और जो एजेंसीज हैं इन सब का सपोर्ट लिया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद ये सारी जितनी भी एजेंसीज हैं इनसे चुनाव आयोग अपना काम करवा सकता है, केंद्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहता, वो अपने चुनाव आयोग अपने हिसाब से अब काम करा लेगा। तो सोचिए कि ये मतलब इतनी सारी मेहनत करनी पड़ रही है, चुनाव आयोग का धन्यवाद हमें करना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को कम से कम रोक पाया, पकड़ पाया। अभी वो ये शुरुआत है, अभी चुनाव खत्म होते होते देखिए और कितना वो पकड़ते हैं, वो कितनी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, मतलब ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तभी पकड़ी जा रही हैं चीज़ें, अदरवाइज छूट गई होती, निकल गई होती, हमें पता भी ना लगता। दोस्तों ये राजनेता का तो जो दोष है वो तो है ही है, उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने ऊपर भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम किसी करप्ट पॉलिटिशियन को देने जा रहे हैं अपना वोट? मतलब किसी अच्छे लोगों को अगर हम पार्लियामेंट भेजेंगे तो ही वो हमारे लिए अच्छे से काम करेंगे। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, अगर अच्छे कानून अंदर जाके बनेंगे तो ही देश और अच्छी तरीके से चलेगा, अगर अच्छे कानून नहीं बनेंगे, पार्लियामेंट का दूसरा कोई काम नहीं है, वहाँ से कानून बनते हैं, वही कानून देश के ऊपर लगते हैं, और जब अच्छे कानून देश के ऊपर लगते हैं वही जनता का कल्याण करते हैं, उसी से बेनिफिट मिलते हैं, सारी फैसिलिटीज़ हमको अच्छे कानून से ही मिलती है, तभी हमें न्याय मिलता है, तभी हम हर चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों डेमोक्रेसी की खूबसूरती वोट देने में ही नहीं है, अच्छे कैरेक्टर को भी डेवलप करने में, हमें अपना अच्छा कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए, वोट तो हमें अच्छे लोगों को देना ही है ताकि हम अच्छे लोगों को पार्लियामेंट भेज सकें। देश के नेताओं को मैं करप्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो 4,650 करोड़ पकड़े गए हैं ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चुनाव लड़ने वाले से ही रिलेटेड ही हैं, कोई ऐसे ही नहीं लुटा देगा पैसे। आपको एक बात और बता दें, तमिलनाडु की गवर्नमेंट तो कहना ठीक नहीं है, तमिलनाडु राज्य में 200 करोड़ रुपए दुबई से हवाला के रूप में आ रहे थे, ये पता कैसे लगा? एक विनोद कुमार करके एक शख्स हैं, उनके थ्रू ये पता लगा है। अभी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आगे की डिटेल अभी और आ जाएंगी कि कैसे क्या पकड़ा गया, मतलब 200 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टी एक है उसने मंगाए हैं
उसका इलेक्शन कमीशन ने नाम को रिवील नहीं किया है। अब सोच लीजिए 200 करोड़ रुपए हवाला के थ्रू आ रहा है, ये 200 करोड़ कहाँ लगेगा? इलेक्शन महंगे तो हो गए हैं, लेकिन महंगे इस चीज़ में नहीं करने चाहिए कि किसी को लिकर दे दो, किसी को ड्रग्स दे दो, किसी को पैसे दे दो। समझ में आता है, आपने कैंपेन करनी होती है, लोगों के पास जाना होता है, तो गाड़ी से आना जाना होता है, डीजल पेट्रोल लगता है, होर्डिंग लगवानी होती है, ये सारे खर्चे होते हैं, ये समझ में आता है। इलेक्शन महंगे इसी को बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं होता कि किसी को साड़ी दे दी, किसी को कूलर दे दिया या किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया। तो दोस्तों, चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और हमें भी अपने मोरल को जगाना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। दोस्तों, कुछ और भी इसमें न्यूज आगे आएगी, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।